आप देख रहे हैं इंडियन आउट 24। इस समय विकास खंड हीरो क्षेत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपको हम इंडियन आउट 24 के चैनल के माध्यम से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सुपरवाइजर महोदय भी उपस्थित है। यहां वर्षा के कारण भरा हुआ पानी, कचरा, गंदगी आप देख सकते हैं। भली बात इसी के साथ में हम आप बात कर रहे हैं मौजूद बाल विकास परियोजना कार्यालय में सुपरवाइजर महोदय जी बैठे हैं। आइए हम जानते हैं महोदय जी, आज आपके कार्यालय हम आ गए हैं और आपके यहाँ सामने कार्यालय के सामने कचरा भरा हुआ है, गंदगी काम बाल लगा हुआ, इस पर क्या कहेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और जब भी बारिश होती है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ नवजात शिशुओं के लिए, गर्भवती माताओं के लिए पोषण आहार आता है, और उसको जब भी ट्रक आता है तो उतारने में, रखने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तथा यहाँ पे बाहर आदमी बैठ नहीं सकता, मच्छरों का इतना भयानक प्रकोप है, इसलिए यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं। और पोषाहार के लिए जो भी हमारा संसाधन आता है, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहती है काफी, और पोषाहार रखने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा जो ये भवन है, खुद का भवन नहीं है, ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का भवन है जो बहुत पुराना है, और इसमें हर जगह बारिश होने पर छतें टपकती हैं, कहीं भी हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, और हमारा खुद का कार्यालय नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा खुद का कार्यालय हो तो हमारा जो भी पोषाहार रख रखाव है या जो भी हमारे कर्मचारी हैं सुचारू रूप से अपना काम कर सकें और कार्यालय में पूरे से पूरे समय तक अपना कार्य सही ढंग से निभा पाए। आज तक क्या उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया कि बाल विकास परियोजना एक कार्यालय जो अपना सुनिश्चित कोई स्थान कोई जगह निश्चित की गई है? इसके लिए मांगा गया था पहले पिछले दौर में, तो हम लोगों ने जो है जगह ब्लॉक से दिया था और वहां पर नींव खुद ही है, ब्लॉक की ही जगह है, लेकिन ये कारण नहीं बता पाएंगे कि किस कारण से वहाँ पे रोक लग गई है। जी जी जी, देख सकते हैं आप, अभी आपको हम वो गंदगी जहाँ पानी भरा हुआ है आपको लाइव दिखा रहे हैं। नमस्कार। क्षेत्र में पढ़नी चाहिए दवा, अगर वो पढ़े ना तो जो कीड़े हैं ना जहरीले वो मर जाए, मगर आए दिन इतना कीड़े हैं कि कुछ गंदगी फैलता है। आप देख लें।